हेलो गाइस, परमृति जी बड़ी न्यूज़। तो गाइस आज हम बात करेंगे स्टार वॉर से रिलेटिव एक और काफी कमाल के अपडेट के बारे में। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने स्टार वॉर्स की टाइमलाइन को एक्सप्लेन करा था, और अगर आपने नोटिस करा होगा कि उस वीडियो में मैंने लास्ट में तीन फ्यूचर मूवी के बारे में बताया था जो कि रिलीज होंगी 2022 में, 2024 में और 2026 में, और देन ये स्टार वॉर्स की अनटाइटल मूवी थी, बट कन्फर्म नहीं था कि कौन इसे डायरेक्ट करेगा और कौन इस पर काम करेगा। तो गाइज अभी हाल ही में अपडेट आया ऑफिशियली कि स्टार वॉर्स की न्यू अपकमिंग मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं थॉर के डायरेक्टर त्यागा वेटिटी, जो कि ऑलरेडी रैग्नारोक जैसी कमाल की मूवी बना चुके हैं और देन सभी उन्हें जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है तो मैं गॉड से यही थैंक्स बोलता हूँ कि गॉड लॉकडाउन के चक्कर में मैंने स्टार वॉर्स को देखा, मैंने उसे समझा और आज वो मेरा फेवरेट यूनिवर्स है। और स्टार वॉर्स की अब कोई भी अपडेट आती है तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। अब मार्वल के भी डायरेक्टर इंटरेस्ट लेने लग गए स्टार वॉर्स की मूवी को, जी हाँ, बनाने में। और देन आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा, स्टार वॉर्स से रिलेटिव है। और देन मेरे को जहाँ तक के लग रहा है कि स्टार वॉर्स की इस मूवी में हाथ है पूरा पूरा केविन फाइगी का, क्योंकि उन्होंने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अनाउंस करा था कि वो स्टार वॉर्स मूवी को बनाने वाले हैं। अब वो इसे प्रोड्यूस करेंगे और पूरा फोकस करेंगे जैसा कि उन्होंने मार्वल पे करते हैं। तो स्टार वॉर्स के इस मूवी को डायरेक्ट करने का शायद उन्हीं का हाथ हो सकता है कि वो त्यागा वेटिटी को लेना चाहते हैं इस मूवी में, और देन उन्होंने खुद कंफर्म करा है। तो गाइस स्टार वॉर्स की न्यू मूवी एक और कंफर्म है डिफरेंट टाइप की। अब देखते हैं कि ये ट्रिलॉजी कैसी होगी, या फिर ये स्पिन ऑफ मूवी हो सकती है पुरानी वाली, यानी कि हमें टाइमलाइन के पीछे दिखाई जा सकती है स्टोरी। तो कुछ भी हो सकता है और जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।